हेलो स्टूडेंट, मैं एसएन प्रजापति, एसएमबी नॉलेज पॉइंट के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फंक्शन का रेंज निकालना। तो स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको आपके कंपटीशन से संबंधित बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे, जो कि आपके आगामी एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जैसा कि पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, बीएचयू बीएससी एंट्रेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि लेट आर बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स इफ ए फंक्शन एफ सच दैट फ्रॉम आर टू आर इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू वन माइनस मॉड एक्स माइनस थ्री फॉर इवरी, ये देखेंगे जो सिंबल है फॉर इवरी का है, फॉर इवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, देन द रेंज ऑफ एफ इज, ऑप्शन है सेमी ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू वन, ऑप्शन बी ओपन इंटरवल वन टू इन्फिनिटी, ऑप्शन सी है आर सेट ऑफ रियल नंबर, ऑप्शन डी है क्लोज इंटरवल वन टू थ्री। तो स्टूडेंट, यहाँ पर क्या कह रहा है कि यह फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू वन माइनस मॉड एक्स माइनस थ्री, इसका रेंज निकालना, इसका परिसर ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू वन माइनस मॉड एक्स माइनस थ्री, तो रेंज निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग फंक्शन को y के इक्वल मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई, सबसे पहले हम लोग इसको y के इक्वल मान लिए, तो y इक्वल टू वन माइनस मॉड एक्स माइनस थ्री। अब x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालनी होती है, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y, तो हम लोग इस मॉड को इस साइड में ले लेंगे, तो इस तरह से हो जाएगा एक्स माइनस थ्री इक्वल टू वन माइनस वाई। अब यहाँ पर जरा देखेंगे, इसको बनाया इक्वेशन फर्स्ट, मॉड एक्स माइनस थ्री है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, निगेटिव भी आ सकती है। तो यहाँ से मान लिया, यहाँ पर देखेंगे व्हेन एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन जीरो, जब इसकी वैल्यू जीरो से बड़ी है तब यह मॉड से जब बाहर आएगा तो पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, मीन्स एक्स माइनस थ्री आएगा, देन एक्स माइनस थ्री इक्वल टू वन माइनस वाई, इस तरह से। अब यहां से एक्स की जब वैल्यू निकालेंगे तो यह माइनस थ्री साइड में आएगा और यह हो जाएगा फोर माइनस वाई, दिस इज इक्वेशन स्टार। यहां से एक्स इक्वल टू फोर माइनस वाई आ गया। अब यहां पर अगर व्हेन एक्स माइनस थ्री लेस देन जीरो, जब इसकी वैल्यू जीरो से छोटी हो, जब इसकी वैल्यू जीरो से छोटी होगी तो यहां पर जब यह मॉड से बाहर आएगा तो माइनस साइन के साथ आएगा, इस तरह से एक्स माइनस थ्री वन माइनस वाई। और इस माइनस को हम लोग उस साइड में जब ले लेंगे तो देखेंगे एक्स माइनस थ्री इक्वल टू वाई माइनस वन, एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई चाहिए, मीन्स एक्स इक्वल टू इस थ्री को हम लोग इस साइड में ले लेंगे तो यह हो जाएगा वाई प्लस टू, क्योंकि माइनस थ्री इस साइड में जब जाएगा तो यह प्लस थ्री हो जाएगा और यहां से आएगा एक्स इक्वल टू वाई प्लस टू, दिस इज इक्वेशन डबल स्टार। नाउ बाय इक्वेशन स्टार एंड डबल स्टार इट इज क्लियर दैट फॉर एवरी रियल वैल्यूज ऑफ वाई वी गेट रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, मीन्स जब हम लोग वाई की वैल्यू रियल पाते हैं तो उसके लिए x भी क्या है, रियल है। तो यहां पर x बिलोंग्स टू R है, x बिलोंग्स टू R मींस इसका जो डोमेन है वो पूरा का पूरा रियल नंबर है, और यहां पर अगर हम y की कोई भी रियल वैल्यूज रखते हैं तो x की भी रियल वैल्यूज मिलती है। तो देयरफॉर इट्स रेंज इज आल्सो सेट ऑफ रियल नंबर, मींस ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं, By equation star and double star, it is clear that range of fx is capital R, because for every real values of y, x is also real. अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है द रेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स इज, इस फंक्शन का रेंज क्या है। ऑप्शन आपके पास है आर माइनस क्लोज इंटरवल वन बाई फाइव टू वन, ऑप्शन बी है
आर, ऑप्शन सी है आर माइनस सिंगल्टन वन, एंड ऑप्शन डी है नन, मीन्स इनमें से कोई नहीं। तो आइए देखते हैं कि इसका रेंज क्या आएगा। यहां पर फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स। गिवन फंक्शन सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन टू, गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स। अब इस फंक्शन को हम लोग वाई के इक्वल मान लेंगे रेंज निकालने के लिए। तो लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई, मीन्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स। अब यहां से जिस तरह से आप देख रहे हैं कि वाई की वैल्यू एक्स के पदों में है, उसी तरह से एक्स की वैल्यू वाई के पदों में निकालना है, मीन्स एक्स इक्वल टू हमको बनाना है। अब इसके लिए सबसे पहले इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे, इसका फैक्टर लिखकर जो कॉमन फैक्टर है उसको रिड्यूस कर देंगे। तो यहां पर जब इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो इसका फैक्टर बनेगा एक्स माइनस, यहां से जरा देखेंगे तो इसका जो फैक्टर बनेगा एक्स माइनस टू और एक्स माइनस वन, और इसी तरह से इसका जब फैक्टराइज करेंगे इसको तो यहां से इसका फैक्टर बनेगा एक्स माइनस एक्स प्लस थ्री और एक्स माइनस टू, इस तरह से इसका फैक्टर बनेगा। और इसमें से जो कॉमन पोर्शन है एक्स माइनस टू वो कैंसिल हो जाएगा, मीन्स वाई इक्वल टू आएगा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो एक्स वाई प्लस थ्री वाई इक्वल टू एक्स माइनस वन। एक्स की वैल्यू y के टर्म में लानी है, इस x को हम लोग इस साइड में ले लेंगे, मीन्स एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल टू, अब देखें यहां पर है माइनस वन, इस थ्री वाई को हम लोग इस साइड में ले लेंगे तो यह हो जाएगा माइनस थ्री वाई। अब यहां से x कॉमन ले लेंगे तो y माइनस वन इक्वल टू माइनस वन माइनस थ्री वाई, या यहां से भी अगर आप चाहें तो माइनस को कॉमन ले लेंगे तो यह क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब एक्स इक्वल टू वन प्लस थ्री वाई अपॉन, देखेंगे यहां पर यह माइनस भी है, और अपॉन वाई माइनस वन, मीन्स एक्स इक्वल टू इस माइनस को नीचे ले लेंगे वन प्लस थ्री वाई इक्वल टू वन माइनस वाई। अब यहां से अब इस इक्वेशन स्टार बना लेते हैं, इस इक्वेशन स्टार से यह क्लियर है कि हम लोग वाई की कोई भी वैल्यू रखेंगे एक्स हमेशा रियल मिल रहा है। अगर हम लोग वाई की वैल्यू वन रख देंगे तो एक्स इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि रियल नहीं है, मीन्स वाई की वैल्यू वन को छोड़कर हम लोग कुछ भी रख देंगे एक्स क्या है रियल है। तो यहां पर लिखेंगे फॉर एवरी वैल्यूज ऑफ वाई एक्सेप्ट वन एक्स इज रियल, देयरफॉर इट्स रेंज, देयरफॉर रेंज ऑफ फंक्शन, देयरफॉर इट्स रेंज विल बी आर माइनस सिंगल्टन वन। रेंज क्या आ जाएगा एफ एक्स का, आर माइनस सिंगल्टन वन, क्योंकि यहां पर वाई की वैल्यू वन वही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा, वही अगर वाई इक्वल टू वन रख देंगे तो एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट हो जा रही है और इनफाइनाइट रियल नंबर नहीं है। तो यहां पर आर में से इसी वाई की वैल्यू जो वन है इसी को निकाल देंगे तो बाकी जो एलिमेंट मिलेंगे वो सब के सब रेंज के एलिमेंट आ जाएंगे। तो यहां से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मींस एफ एक्स का जो रेंज आएगा वो आएगा आर माइनस सिंगल्टन वन। अब तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं, तीसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू लॉग बेस फाइव 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज, ऑप्शन आपके पास है
क्लोज्ड इंटरवल 0 to 5, सेमी ओपेंड इंटरवल -∞ to 2, ऑप्शन सी ओपन इंटरवल -∞ to 2, ऑप्शन डी ओपन इंटरवल 0 to 2, ये ऑप्शन है। तो यहाँ पर भी फंक्शन का रेंज निकालना है, तो रेंज निकालने के लिए सबसे पहला जो बात है, आप दिए गए फंक्शन को y के इक्वल लिखेंगी, फिर x के मान, x की वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ y ज्ञात करेंगी, और फिर देखेंगे कि y के किन किन मानों के लिए x रियल है, तो y के वे सभी मान रेंज कहलाते हैं। यहाँ पर जरा देखें, गिवन फंक्शन fx = log(base 5)(25 - x²). तो सबसे पहले इसको हम लोग y के इक्वल मान लेंगे, तो लेट fx = y। रेंज निकालने के लिए सबसे पहले फंक्शन को हम लोग y के इक्वल बना लेते हैं। यहाँ पर base 5 (25 - x²). अब देखेंगे दोनों साइड से लॉग हटाना है, दोनों साइड से लॉग हटाना है, तो यह जो बेस है वह यहां पर आकर बैठ जाता है, मींस यहां पर हो जाएगा 5 to the power y = 25 - x²। अब यहां से x की वैल्यू को y के टर्म में लाना होता है, तो x स्क्वायर को एक साइड में, बाकी सभी को एक साइड में, x स्क्वायर को हम लोग इस साइड में ले लेंगे, x² = 25 - 5 power y, means x = √(25 - 5 power y). अब यहां से अब हम लोग देखते हैं कि y की ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज रखी जाए जिसके लिए x क्या हो, रियल हो। तो यहां पर जा देखेंगे x की रियल वैल्यूज के लिए 25 - 5 power y इतनी की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। यहां पर लिखेंगे फॉर x टू बी रियल, यहां पर लिखेंगे फॉर रियल वैल्यूज ऑफ x 25 - 5 power y should be greater or equal to 0। इसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि अंडर रूट में अगर निगेटिव आ गया तो x क्या हो जाएगा, आयोटा फार्म में हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स फार्म में हो जाएगा, जो कि रियल नहीं है। तो यहां पर x की रियल वैल्यूज के लिए 25 - 5 power y की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। अब यहां से अब हम लोग करेंगे क्या, यहां से हम लोग इसको ऐसा कर सकते हैं, जैसे देखें 25 > 5 power y, 5 पावर y को इस साइड में ले लेंगे तो यह माइनस से प्लस हो जाएगा। अब उसके बाद इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 power 2 > 5 power y। अब दोनों साइड से अगर हम लोग कंपेरिजन करें तो देखेंगे इस तरह से इसको लिख सकते हैं 5 power y < 5 power 2। यहां पर ज्यादा देखें 5 power y < 5 power 2 मीन्स y < इसकी वैल्यू कह रहा है कि इससे छोटी होनी चाहिए, तो इसका मतलब यह हुआ कि y < 2, जब y की वैल्यू 2 से छोटी होगी तभी 5 पावर y की वैल्यू 25 यानी 5 पावर 2 से छोटी होगी, मीन्स y < 2। अब y < 2 का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर यह रियल नंबर लाइन अगर हम लोग खींचते हैं -∞ to ∞, y की एक वैल्यू आ रही है, एक कट लगा देंगे और यहां पर लिखेंगे 2, अब कह रहा है कि y की वैल्यू 2 या 2 से छोटी होनी चाहिए, तो मींस यहां से देखेंगे 2 या 2 से छोटी का मतलब यहां पर इक्वल भी लगा हुआ है, इसलिए क्लोज इंटरवल और यहां पर क्या लग जाएगा, ओपन इंटरवल। तो यहां पर जो y की वैल्यू आएगी, therefore y belongs to सेमी ओपेंड इंटरवल -∞ to 2। इस तरह से इस फंक्शन का जो रेंज आएगा वह आएगा -∞ to 2, मीन्स ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरह से
फंक्शन का आप रेंज निकाल सकते हैं।